प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य टीम वाराणसी शहर के सरकारी अस्पताल में जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा महिला वार्ड में लखनऊ से आई टीम की सदस्यों ने मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और इलाज व उपचार से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में समझा। निरीक्षण में मुख्य रूप से विधानसभा महिला एवं बाल विकास की संयुक्त समिति के अध्यक्ष नीलमा कटियार, डॉक्टर सुरभि, विधायक सलोना कुशवाहा, विधायक वंदना वर्मा और विधायक बाबूलाल उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, लोगों से हम दो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, आप सुनो मेरी बात। जस्ट महिला 6 महीने के 7 महीने की खड़ी, आप मेरी बात केवल सुनो और इसको अंदर से सोचो। आप ड्यूटी कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम वो नहीं कह रहे हैं, आप सुनो कहे मेरी बात। आप उस तरफ आपका ध्यान ले जा रहे हैं जिस तरफ व्यवस्था की दृष्टि से आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है, उस सेंसिटिविटी पर ले जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आप आई हो 7 महीने की प्रेगनेंट हो, मेरी बात सुनो, आप खड़ी हो, आपको शेक भी दे दें, आपको बेंच भी दे दें, प्लीज़ वहाँ पर ओपीडी में जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाइए। अरे 10 से ऊपर महिलाएं वहाँ ना रुके। आप यहाँ जो आ रही है महिला उसको जितनी जल्दी कोशिश करिए चारों तरफ से, और यही आपका काम है। जो डॉक्टर जहाँ खाली है बैठो, देखो भेजो, बैठो देखो भेजो, जैसे ही आप देखो 10 से ऊपर महिला आ गई है। जब चाहे क्या लगता है, एक एक मिनट ऐसा लगता है कि मर रहे हैं, महिला को तो पता होता है। तो ये यहाँ महिला, प्रेग्नेंट महिला मत रुकिए, आप उसको फटाफट ATM आप योगेंद्र, नहीं योगेंद्र तो ATM to 2 PM जैसे ये OT कर रहे हैं उनके अंदर में। अच्छा ठीक है, 2 PM से 8 PM सुमिता आएंगी, फिर अनुरीता आएंगी, फिर ये जो राउंड है योगेंद्र, नहीं नहीं ये OT कर रहे हैं, 2 से 8 जो OT लेते हैं मैम वो राउंड भी लेते हैं, 2 से 8 या डॉक्टर योगेंद्र OT कर रहे हैं 8 से, ठीक 2 से 8 डॉक्टर वो 2 बजे आएंगी ना मैम। क्या करेंगी ये? वो मैम पूरा डिलीवरी और सीजेरियन जो डिलीवरी और सीजेरियन करेंगी 8 से 8, वो भी वही काम करेंगी। तो हमारे 8 से सुबह 8 से 2 ओपीडी में कौन है? केवल ये जो आपके साथ थी मैम अस्मिता, ये नहीं तो आप ये ना कहने की कोशिश करिए कि अलका हमारे साथ थी डॉक्टर का इसी वजह से। मैम यहाँ पर मैंने अलका मैम यहाँ की सुपरिटेंडेंट है, तब भी मैंने उनको यहाँ ड्यूटी पे ओपीडी पे लगा दिया। इनफैक्ट आपको ड्यूटी कर दी है, जो भी CMS है, जो भी वहाँ पे डॉक्टर है, आपको दिक्कत होती नहीं है वैसे? मतलब ये रोज मैम, अरे आप नहीं होती है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है 3 घंटे से, उसको दिक्कत नहीं होनी वाली, वो भी इतनी गर्मी में मैम। आप तो अपने चेम्बर में बैठे हो, आपकी बात तो गलत। मैम यहाँ रहती हूँ, ओपीडी में किसी को दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ एविडेंस में जाना पड़ता है, अचानक हम लोग को ड्यूटी लिस्ट ऑन द स्पॉट चेंज करनी पड़ती है। ये तो कौन सी डॉक्टर पीछे में एक ऑफ है ना, सब ठीक है, चैन खाली है इसीलिए भीड़ है, केबिन में कोई डॉक्टर नहीं है, अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए कोई डॉक्टर नहीं। देख लो आप, कोई किसी ने, हमारी विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संयुक्त समिति है और ये विधानसभा की समिति आज यहाँ, ये जो हमारा महिला हॉस्पिटल है सरकारी, पीपी वाला नहीं देखा है, सरकारी देखा है, उसकी व्यवस्थाओं को देखने आए हैं। क्या आपने पाया व्यवस्था आपने देखा तो क्या है वो आ जाएगा ब्रीफिंग में।